Welcome back to my YouTube channel, and once again I'm here to present a very unique and informative video in front of you all. So without any delay, let's get started. So in today's video we are going to talk about long. गाइज, लॉन्ग के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ और ये भी बता चुकी हूँ कि लॉन्ग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, लेकिन इस वीडियो का विषय काफ़ी स्पेसिफिक है और इसमें स्पेशली हम बात करेंगे मेल सेक्सुअल ऑर्गन और क्लोव ऑयल के बारे में. मेनी पीपल आर क्यूरियस टू नो वेदर क्लोव ऑयल इज़ इफेक्टिव इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड पीनिस एनलार्जमेंट और नॉट. सो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि लॉन्ग के तेल की पीनिस पर मसाज करने से क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, क्या ये पीनिस साइज़ को इनक्रीज कर सकता है. तो इससे पहले हम आगे बढ़ें और लॉन्ग के तेल की पीनिस पर मसाज के फ़ायदों के बारे में जानें, एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि मेल ऑर्गन की मसाज कैसे इरेक्टाइल टिश्यूज़ के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है. गाइज, मार्केट में कई खास तौर से बनाए गए आयुर्वेदिक और दूसरे हर्बल ऑयल अवेलेबल हैं जो पिनाइल मसाज थेरेपी के लिए ही होते हैं. तो गाइज, ऑयल कोई सा भी हो, पीनिस पर इसकी मसाज करने से कम या ज़्यादा बेनिफिट तो मिलता ही है, और उसकी वजह है कि ऑयल मसाज से स्किन की ऊपरी सतह पर मौजूद ब्लड कैपिलरीज में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और पीनिस में जाने वाले ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है. फ्रेंड्स, पीनिस में बेहतर तनाव आने का सीधा सा प्रिंसिपल है और वो है कि पीनिस में मौजूद नसों में कितना ब्लड भरता है. लेकिन हर तेल की तासीर और न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग अलग होती है, जिसकी वजह से अलग अलग ऑयल्स की पीनिस पर मसाज करने से अलग अलग रिजल्ट मिल सकते हैं. अगर बात क्लोव ऑयल की जाए तो लौंग का तेल उन हर्बल ऑयल में से एक है जो नहायत ही गर्म तासीर के होते हैं और जो स्किन पर लगाने पर गर्माहट पैदा करते हैं. और अगर बात बॉडी के नाजुक हिस्सों जैसे पीनिस, टेस्टिकल्स, लिप्स एक्सेट्रा की जाए तो ये गर्म तेल ऐसे भागों में तेज जलन भी पैदा कर सकते हैं. गाइज, लौंग और दालचीनी के तेल दो ऐसे तेल हैं जिनको अगर कोई गलत तरीके से बॉडी के सेंसिटिव पार्ट्स पर अप्लाई कर ले तो उसको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है. एनीवेज, अब हम सीधा मेन क्वेश्चन पर आते हैं कि लौंग का तेल पीनिस पर मसाज करने से क्या इरेक्शन या तनाव बढ़ता है? क्या लौंग के तेल की रेगुलर मसाज से पीनिस सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर ज़्यादा सख्त और लंबा हो सकता है? गाइज, लौंग के तेल में यूजेनॉल नाम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है जो लौंग की खुशबू और इसके तीखेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी रिमाइंड यू, लौंग का तेल हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है और उसकी 3 से 5 बूंदे जैतून या तिल 10 ग्राम ऑयल में मिलाकर ही लगाया जाना चाहिए, नहीं तो ये स्किन पर भयानक जलन पैदा कर सकता है. तो मान लीजिए कि आपने लौंग का बताया गया ये मिक्सचर प्रिपेयर कर लिया है और आप इसको पीनिस पर मसाज करते हैं. चूँकि लौंग का तेल पीनिस में ब्लड सर्कुलेशन साधारण तेलों जैसे सरसों, जैतून, तिल आदि के मुकाबले कई गुना बेहतर तरीके से बढ़ाता है, तो आप मान सकते हैं कि इसकी रेगुलर मसाज से पीनिस की नसों में जाने वाले ब्लड की मात्रा बढ़ जाएगी और ये नसें फैल भी जाएंगी ताकि और अधिक मात्रा में पिनाइल टिश्यू को ब्लड कैरी कर सके. फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि लौंग में पाए जाने वाले मैजिकल मॉलिक्यूल्स पिनाइल नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई को मजबूती देती हैं और जिसकी वजह से इरेक्शन या तनाव बेहतर होता है. इसके अलावा लौंग का तेल अरोमा थेरेपी में भी यूज़ होता है और इसकी गंध एफ्रोडाइजिक होती है, जिसको महसूस करने से पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होकर सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ा देता है. लौंग के तेल की मसाज करने के लिए आप थेरेपेटिक ग्रेड का क्लोव एसेंशियल ऑयल खरीदिए. थेरेपेटिक ग्रेड के एसेंशियल ऑयल्स हाई क्वालिटी के होते हैं और इनको काफ़ी रिफाइंड करके तैयार किया जाता है. तो बस लौंग के इस तेल की 5 ड्रॉप्स आप लगभग 10 मिलीलीटर ऑलिव ऑयल या सीज़मे ऑयल में मिला लीजिए और इस मिक्सचर की आपको अपने ऑर्गन पर मसाज करनी होती है. मसाज करते टाइम आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको लौंग के इस तेल से जलन या इचिंग की प्रॉब्लम होती है तो आप तेल की कॉन्सेंट्रेशन को कम भी कर सकती हैं. जैसे 10 मिलीलीटर ऑलिव ऑयल में 2 ड्रॉप्स क्लोव ऑयल डाल सकते हैं. अगर फिर भी आपको लौंग के इस तेल से किसी तरह की एलर्जी महसूस होती है तो आपको लौंग के तेल की मसाज सूट नहीं कर रही है तो बेहतर है कि आप इसकी मसाज रोक दें और कोई अल्टरनेटिव मसाज ऑयल का इस्तेमाल करें. आई थिंक अब एक सवाल तो क्लियर हो चुका है कि लौंग का तेल इरेक्शन को डेफिनेटली इम्प्रूव करता है, लेकिन दूसरा सवाल ये है कि क्या ये पीनिस एनलार्जमेंट में भी फ़ायदेमंद है? मतलब क्या इसकी नियमित मसाज से पीनिस साइज़ को बढ़ाया जा सकता है? गाइज, पीनिस नॉर्मल लेंथ 4 से 6 इंच के बीच होती है. अगर लंबाई इससे कम है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स में विमेन प्लेजर के लिए इनफ हार्डनेस के साथ साथ सही लेंथ और गर्थ का होना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज उसको ऑर्गेज्म नहीं हो पाता है. और मैं आपको बता दूं कि लौंग का तेल पीनिस एनलार्जमेंट में उपयोगी नहीं पाया गया है और इसका इस्तेमाल करने से मेल ऑर्गन का साइज नहीं बढ़ता है. अगर आप पीनिस एनलार्जमेंट के लिए कोई ऑयल सर्च कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इफेक्टिव आयुर्वेदिक और हर्बल ऑयल्स के कुछ लिंक दिए हुए हैं, आप चाहें तो उन पर गौर कर सकते हैं.
सो माई लवली ऑडियंस, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो जल्दी से उसको कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अब मैं चलती हूँ, फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए गाइज़, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।